अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम राजनपुर में जो है वो एक डेरे के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और उनका जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। सब्ज़ी जो है वो हम काम को प्रॉपर जल्दी स्टार्ट करने के लिए जो है वो साथ लेके आए थे। ये मेरे सामने आप जो है वो प्याज देख रहे हैं, सब्ज़ मिर्च है और ये टमाटर की जो है वो कटाई चल रही है। फ्रीज़र ये साथ लेके आए थे ताकि जो चीज़ें जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको जो है वो स्टोर किया जा सके। अभी कूलिंग पूरी हो रही है फ्रीज़र के अंदर, फिर इसको जो है वो चलाएंगे। ये मसाला जात और सारी चीज़ें जो है बाकी पड़ी हैं और ये चिकन भी जो है वो आ चुका है, प्याज भी जो है वो कट चुका है और पूरी जो है वो देगों की जो है वो तैयारी है। तो एक टाइम में 10 से 12 देगें जो है वो तैयार की जाएंगी। इसके अलावा ट्रक में जो है वो भी चावल मौजूद हैं और ये जो इन चावलों की ऑरेंज बोरियों के पीछे जो आप देख रहे हैं, अब बोरियों के पीछे जो है वो बिस्तर मौजूद हैं और बर्तन मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो कोई 400 से 500 लोगों के लिए जो है वो कपड़ों का इंतज़ाम है जो वो किया हुआ है उसकी इस गाड़ी के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है वो दूसरी गाड़ी जो है वो आप सड़क के दूसरी तरफ जो है वो खड़ी है और उसके अंदर जो है वो बाकी टेंट्स और टेंट के अलावा जो है सिलेंडर्स और तवे और मुख्तलिफ अशिया जो है उसके अंदर भी मौजूद। चिराग फाउंडेशन, सलाब ज़दगान की मदद कीजिए और इस सवाब के काम में हमारा साथ दीजिए और इस चिराग को जो है वो आप जैसे दोस्तों की मदद से ही हमने जलाए रखना है। इस चिराग को आप लोगों ने बुझने नहीं देना इंशाल्लाह।